अस्सलाम वालेकुम जुलेखा के दुनिया में वेलकम है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा आंवला का पौधा है। ये हमारे पास दो पौधा है आंवले का, और देखिए इसमें फूल आने लगी है और फल भी आने लगी है। छोटी छोटी इसमें फल अभी आ रही है, देखिए इस तरह से। देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसमें फूल भी देखिए कितनी सारी फूल भी है। ये सब फूल है और छोटी छोटी फल भी आई हुई है। हमारे पास आंवला का दो पौधा है। ये करीब हमारा 2 साल पहले का ये पौधा है। इससे पिछले साल हमारे पास बहुत सारा फूल हुई थी, लेकिन सारा फूल झड़ गई। मगर इस साल फूल भी हो रही है, फल भी आ चुकी है, और मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि इसमें फल आने लगी है। देखिए फ्रेंड कितनी अच्छे से, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा आंवला इसमें होने लगी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए आंवला बहुत फ़ायदे का चीज़ है। आंवला रोज़ एक ठो खाना चाहिए, और इसमें कैल्शियम होती है, बहुत सारा मिनरल होती है। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है आंवला। इसकी चटनी भी बनती है, इसका अचार भी बनती है, और रोज़ एक खाइएगा तो बहुत ही फ़ायदे करेगी। देखिए ये हम मैं ड्राम में लगाई हुई है। देखिए इसमें खरपतवार हो गई है, घास उस सबको हटा रही हूँ मैं। ये सबको साफ़ उफ कर लेती हूँ पहले, और इसे गुड़ाई भी करूँगी और साफ़ भी कर लूँगी। देखिए इस तरह से ये सब हटाकर इसे मैं गुड़ाई करूँगी। ये फल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे इतनी खुशी हुई, सोची मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। देखिए पहले गुड़ाई कर ले रही हूँ, इसमें कुछ खाद मैं डालूँगी तभी जाके इसकी फल थोड़ी बड़ी होगी। अब इसमें खाद डालना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा मिट्टी को हम खनकर उसे थोड़ा मिट्टी को निकाल लूँगी और इसमें कुछ खाद डालूँगी। देखिए पहले मिट्टी को गुड़ाई करके थोड़ा मिट्टी को मैं हटा लूँगी, करीब 2 इंच मिट्टी इसकी हटा दूँगी, इसमें नई मिट्टी डालूँगी। ये देखिए ये ड्राम में लगाई हुई हूँ, और वो रंग वाली बाल्टी में लगाई हुई हूँ। 2 पौधा मेरे पास है। देखिए इस तरह से इसको भी गुड़ाई कर ली हूँ। अब देखिए इसमें मैं खाद डालने जा रही हूँ। देखिए ये बर्मी कंपोज है, मैं अंदाजे से डालती हूँ, करीब ये 2-3 मुट्ठी होगी। मैं नाप जोक कर नहीं डालती हूँ, अंदाजे से डाल देती हूँ। देखिए चारों तरफ जड़ से हटाकर चारों तरफ ये बर्मी कंपोज है, और उसके बाद मैं इसमें नीम खली, देखिए ये नीम खली है, उसे भी मैं चारों तरफ डाल दूँगी। उसके बाद एक चीज़ और डालना है, देखिए ये अंडे का छिलका को मैं पीस कर रखती हूँ, वो डाल दे रही हूँ ताकि इसमें कैल्शियम की पूर्ति करेगी। इस तरह से मैं डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें मिट्टी डालूँगी, और ड्राम में भी यही सब मैं डालूँगी, बर्मी कंपोज या नीम खली और अंडे का छिलका, इसमें भी वही चीज़ डालूँगी। ये ड्राम में मैं लगाई हुई हूँ।
इसमें भी मैं अंदाजे से डाली हूँ। इसमें भी नीम खली और अंडे का छिलका डालूंगी, उसके बाद मिट्टी डाल दूंगी, नई मिट्टी। उसके बाद फिर मिट्टी डालकर कुछ और डालूंगी। देखिए इस तरह से मैं अंडे के छिलका डाल दी हूँ, अब इसमें मिट्टी डाल दे रही हूँ। देखिए इस तरह से जो मिट्टी निकाली हूँ वो मिट्टी नहीं है, ये नई मैं बना कर रखती हूँ मिट्टी, वही मिट्टी है ये। देखिए इस तरह से मिट्टी को डाल दी हूँ, उसमें भी मिट्टी डाल दूंगी। आंवला बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। देखिए ये मैं डालने जा रही हूँ, फंगीसाइड है, टाइकोटर्मा है, इसको पानी में घोलकर मैं डालूंगी। ये फंगीसाइड है, बहुत अच्छी होती है। इसे अच्छे से इसे घोल लेना है चम्मच से, इस तरह से मिला लेना। थोड़ा और पानी डाल दी हूँ और देखिए इस तरह से इसे मिला लेना अच्छे से। दोनों पॉट में मैं ये डालूँगी, ये रंग वाली बाल्टी में मैं रोपी हुई हूँ और वो ड्रम में है। देखिए हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी बरसात का सीज़न में आप लोग भी लाकर रोप सकती हैं, ये 20 से तो होगी लेकिन इसमें फल बहुत करीब 7-8 साल लग जाएगी इसमें फल आने में। ग्राफ्टर लीजिए या ये लीजिए तभी इसमें फल आएगी। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, इसमें कितनी अच्छी फल आई हुई है। देखिए इसकी ग्रोथ, नई नई पत्ता भी निकल रही है, अब बहुत अच्छे से इसमें आंवला लगी हुई है। अब बड़ी होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी फूल भी आ रही है, फल भी हो रही है, अभी छोटी है फल, बड़ी होगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए ये फूल है, अल्लाह हाफिज़।